हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपकी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा टैनिंग आ चुकी है, आपकी स्किन है वो देखने में डल हो गई है और आपकी स्किन पर कोई निखार नहीं रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको क्या करना है, आपको एक बाउल लेना है और बाउल में आपको लेना है 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच ही आपको लेनी है मुल्तानी मिट्टी। दोनों की क्वान्टिटी आपको बराबर मात्रा में ही रखनी है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है एक विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। तो आपको एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है और उसकी कुछ ही ड्रॉप्स आपको इसमें ऐड करनी है और बाकी का आपको इसको संभाल के रख लेना है। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ लेना है कच्चा दूध, रॉ मिल्क, और यहाँ पर इसी में आपको पूरा इसका जो पेस्ट है वो बनाना है इसमें। और आपको ना ही गुलाब जल डालना है ना ही पानी ऐड करना है, तो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा दूध करके इसमें डालते रहना है ताकि आपका एक पेस्ट बन जाए। और इसको आपको इसमें एक भी रोरी या गांठ नहीं पड़ने देनी है, इसलिए आपको आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके ही दूध इसमें ऐड करना है और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाते जाना है। इससे क्या है, आपकी स्किन की जो टैनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन पर एक निखार आएगा। तो यहाँ पे आपको केवल दूध का ही यूज करना है। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आपको भी बनाते जाना है और हमारा जो पेस्ट है वो बनकर एकदम से रेडी हो जाएगा। तो ये जो हमारा फेस पैक है वो बनकर एकदम से तैयार हो गया है। अब इसे हमें अपने चेहरे पर लगाना है। चेहरे पर लगाने के लिए हमें आप अपनी फिंगर से या अपनी ब्रश की सहायता से इसे लगा सकते हैं, और इसे आप अपने चेहरे पर एज ए फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं, और इसे आप अपने चेहरे पर एवरीडे यूज कर सकते हैं। इससे आपके चेहरे पर कोई भी किसी भी तरह की एलर्जी वगैरह नहीं होगी। तो इसे आप डेली नहाने से पहले इसका यूज कर सकते हैं और इससे आपकी स्किन पर निखार आएगा। इसकी आपकी स्किन की जो टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। और इसको लगाने के बाद आपको ज़्यादा सुखाना नहीं है, ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। इसको आपको 50-50% रखना है, मतलब 50% सूख गया हो, 50% थोड़ा गीला हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको हल्के हल्के हाथों से रिमूव करते हुए इसको निकालना है, और इसे कम से कम आपको 10 मिनट के लिए तो अपने फेस पर लगाना ही है। 10 मिनट के बाद आपको इसको हल्के हल्के हाथों से रिमूव करते हुए अपने चेहरे से निकालना है, एकदम से ड्राई नहीं होने देना है इसको। ओके, तो मेरे फेस पर थोड़ा सा हल्का हल्का ड्राई हुआ है, वैसे ही मैंने इसको फेस से रिमूव करने लगी हूँ। तो रिमूव करने से पहले आपको जो हमने जो कच्चा दूध था उसको थोड़ा सा साइड से रख लिया था, तो उसी से थोड़ा अपने फेस को गीला करते हुए, अपने फेस पर मसाज करते हुए इसको रिमूव करना है। इससे क्या होता है, हमारी स्किन की जो टैनिंग है, जो ब्लैक हेयर्स वगैरह हो गए हैं आपकी स्किन पर, जो गंदगी जमा हो गई है वो सभी रिमूव हो जाएगी। क्या होता है, हम किचन में काम करते हैं, हमारी स्किन पर एकदम जो ऑयल की परत जम जाती है उसको अच्छे से रिमूव हो जाती है इससे। तो हमें यहाँ पर फुल दूध का ही यूज करना है, आपको कोई भी पानी या आपको गुलाब जल का यूज नहीं करना है, आपको यहाँ कच्चे दूध का ही यूज करना है।